औसम दूध डेयरी का हुआ उद्घाटन। जी हां, बिहार समस्तीपुर के सराय रंजन प्रखंड के धर्मपुर पंचायत खेतापुर गांव में औसम दूध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। धर्मपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सह राजद के जिला उपाध्यक्ष श्री राजकुमार साहनी के प्रयास से किसानों के परेशानी को देखते हुए दूध संग्रहालय केंद्र खोला गया। वहीं श्री राजकुमार साहनी ने कहा कि बिहार में पशुपालक किसानों की गाड़ी कमाई कंपनी के कुछ मालिक एवं डेयरी चला रहे डेयरी संचालक ले रहे हैं। किसान को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, डेयरी चालक मालामाल है। इसी को देखते हुए नए कंपनी औसम अपने पंचायत में लाया गया और किसान से दूध लेकर किसानों को स्वस्थ समय पर पैसा व पशु का इंश्योरेंस विका किसानों को लोन, किसानों को अच्छी नस्ल की गाय भैंस उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य अतिथि प्रांपण प्रबंधक श्री अजीत कुमार झा, क्षेत्रीय प्रभारी आर्यन राज केशव सिंह, रामनाथ ठाकुर, हीरालाल शर्मा आदि मौजूद थे। बिहार के उजियारपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट। नाम है सर? मेरा नाम राजकुमार सहनी हुआ, मैं धर्मपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हूँ, सह राजद के जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी, आज जो ये किसान सभा किए थे, इसका क्या उद्देश्य है? आज की ये सभा के मेरा उद्देश्य यही है कि मैं किसानों को, खासकर पशुपालकों को सुविधा देने के लिए यह ग्रामीण दूध संग्रह केंद्र खुलवाया हूँ, ताकि हमारे किसान भाइयों को सुविधा मिल सके, अधिक से अधिक लाभ मिल सके, ताकि लोगों को परेशानी नहीं। नई टेक्नोलॉजी से यह संस्था खुली है और हम उम्मीद करते हैं इससे बहुत ज़्यादा सुविधा किसान भाइयों को मिलेगा। जिलों में, बिहार राज्य के कुछ जिलों में अपना उत्पाद दूध, दही, लस्सी, पनीर, पेड़ा, छाछ, ये सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, विपणन करते हैं। इस उत्पाद के लिए जो रॉ मटेरियल है, वो हम आज के समय में बिहार और बंगाल के किसानों के साथ दुग्ध संग्रहण का काम करके अपना रॉ मटेरियल उपलब्ध कर पाते हैं। तो ये शुभारंभ की घड़ी बेसिकली हमारा नाम आप लोगों ने जाना, मेरा नाम अजीत कुमार झा है और मैं इसी मिट्टी का जन्मा हुआ हूँ। मेरा घर यहाँ से करीब बेगूसराय जिला के मंसूरचंद प्रखंड का संस्था गांव है, जैसा कि आर्यन जी बताए। मैं गांव में जन्मा, पीढ़ी मैट्रिक शाम से दुग्ध कलेक्शन का काम भी होगा। निश्चित रूप से आप लोगों के मन में कई सवाल आते होंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा। लाजमी है, जब किसी चीज की हम शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे हमारा जो मन है वो काफी दौड़ता रहता है, काफी समझने की चेष्टा करता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कार्यक्रम के बारे में आपको रूबरू कराऊं। औसम डेयरी एचआर फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका प्रधान कार्यालय झारखंड रांची में है। हमारे औसम डेयरी के दो प्रोसेसिंग प्लांट झारखंड में है, एक बिहार में है। झारखंड में जो अवस्थित प्लांट है, औद्योगिक क्षेत्र पतरातू और औद्योगिक क्षेत्र जमशेदपुर। बिहार में जो हमारा प्लांट